हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों मैं ये तो मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन सीरियसली आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने फटाफट फटाफट अपने घर के काम किए और अभी मैं घर जाके फटाफट फटाफट काम करने वाली हूँ, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे और आज हो गई हूँ मैं पूरे नो 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 लड़की औरतों से ना उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए। फटाफट फटाफट काम इसलिए भी करना है क्योंकि उसके बाद ना बर्थडे विश करने वालों की लाइन लगने वाली है, तो इतना टाइम नहीं रह पाता है। फ़ोन पे बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि कहेंगे कि ये भी भाव खाने लग गई है अपने। खैर, आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिए, कैसा रहता है हमारा आज का दिन, हमारा नहीं स्पेशली मेरा आज का दिन कैसा रहता है, तो देखते रहिए हमारी वीडियोज को आगे तक। आज मम्मी जी की तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो आज मैं ही कुन्नू को छोड़ने आई हूँ और अभी मैं थोड़ा सा फूल लेके जाती हूँ अपने और उनकी पूजा के लिए। गुड़हल के फूल ना हर मौसम में खिलते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है पूजा के लिए। और कोई फूल मिले ना मिले, गुड़हल के फूल ज़रूर मिल जाते हैं। और ये वाले हैं कनेर के फूल है शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन वाइट फूल है, शिव जी को चढ़ते हैं। ये सावन का महीना है। तो अभी मैं घर पहुँच गई हूँ, हस्बैंड तो आज मेरा बर्थडे भूल गए और ऐसे ही चले गए। अब देखते हैं उनका फ़ोन आता है ऑफिस से या फिर बाद में विश करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ना और किसी ने अभी तक विश नहीं किया है, घर के अंदर जाके देखते हैं कि कौन कौन मुझे बर्थडे विश करता है। आप भी बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हे भगवान जी, आज मेरा बर्थडे है, भले ही मेरी ज़िंदगी के दिन कम कर देना, लेकिन मेरी जवानी बनाए रखना। नाश्ता में क्या बना रही है? सर बना रही हूँ अपना। क्या खाओगे मम्मी? अरे अचार के साथ रोटी दे दे। ना ना, सब्जी बनाऊंगी मम्मी, सब्जी खाने को इच्छा नहीं है। चलो ठीक है, तो अपने बेटे का बर्थडे होता है, तवा मत लगाना, आज पूरी बनाएंगे। और आज आज उन्हें याद ही नहीं है, क्या कहती है, याद होता तो पता चलता है, याद ही नहीं है उन्हें मेरा बर्थडे है करके। बोल रही है अचार के साथ रोटी खा लूंगी और कुछ नहीं खाऊंगी। सास सासी होती है, मम्मी मम्मी होती है, सही कहते हैं लोग। मम्मी का सुबह सुबह फोन आ गया, बेटा जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और जहाँ रह रही हूँ जिनके साथ रह रही हूँ उनको मेरा बर्थडे याद है। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी, फट रोटी भी जल रही है। आज तैयार हो गई मम्मी की अचार रोटी, तो भूखी नहीं है, पापा का पेट खराब हो गया है सुबह सुबह, अब वो आज खाना ही नहीं खाएंगे। मेरे बर्थडे वाले दिन होना होता है सब कुछ, छी मेरी भी भूख मर गई। अचार रोटी लो खाओ। अब तो क्यों नहीं आ रही है अपना खाना? या तो भूख नहीं लग रही मम्मी मुझे, क्यों लेके आना खाना अपना, क्यों नहीं लग रही तुझे भूख? ठीक है लाती हूँ, एक रोटी खाऊंगी, मन नहीं है मेरा भी। गुस्सा हो गई क्या अचार के साथ खाने का? ना ना, लाती हूँ लाती हूँ। हद हो गई है यार, हद हो गई, बाय गॉड, दिन का खाना बनाने का टाइम हो गया और एक ने मुझे बर्थडे किया, ना मेरे हस्बैंड ने ना मेरे सास ससुर ने, और तो और ननद जी का भी फोन नहीं आया है और मेरी जेठ जेठानी का भी फोन नहीं आया है। हद है यार, अपने माँ बाप ना अपने माँ बाप ही होते हैं सच में। सुबह सुबह मम्मी पापा का फोन आ गया और अभी थोड़ी देर पहले भाई का फोन आ गया। फ्रेंड्स तो व्हाट्सएप में हैप्पी बर्थडे लिख चुके हैं, लेकिन मैं बहू का मतलब ना नौकरानी ही होता और कोई मतलब नहीं होता बहू का, किसी ने विश नहीं किया। मेरे अपने हस्बैंड उनने तक मुझे फोन नहीं किया। और खाना क्या बना रही यार? सर बना रही हो अपना, खा जाओ मेरा सर, हर समय खाना खाना, पता नहीं कितना खा। इसको क्या हो गया होगा हैं? खाना बना रहा तो सिर बना रही, कह रही सिर बनाऊंगी, कह रही तू भी सिर खाएगी क्या? खाना ही बनाती हूँ अब जाके। सुबह से शाम होने को आई है और किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है। अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। कम से कम मेरे हस्बैंड को तो मेरा बर्थडे याद होना चाहिए, लेकिन नहीं, किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है।
इनसे अच्छे तो बैंक वाले हैं जहाँ मेरा अकाउंट है, कम से कम हैप्पी बर्थडे का मैसेज तो वो हर साल भेज देते हैं। थैंक गॉड सबको मेरा बर्थडे याद आ गया। एक्चुअली वो मैसेज देख लिया था मेरे हस्बैंड ने जो बैंक से आया था, तो फिर सबको उनने हल्ला कर दिया कि आज मधु का बर्थडे है, मधु का बर्थडे है। तो मुझसे बोला गया है कि फटाफट खाना बनाओ, फिर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो थोड़ा सा खुशी हो गई है, तो अब मैं फटाफट खाना बनाती हूँ और उसके बाद हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आप भी बने रहिएगा वीडियो में कैसा रहता है मेरा बर्थडे देखने के लिए। चलो हाय हाय बाय वीडियो वीडियो बंद कर दो। हाँ बंद कर दो। ये खाओ चॉकलेट।